स्टार प्लस के ब्लॉकबस्टर शो एंड टेलीविजन के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा पर निकल कर आ गई है बहुत बड़ी खबर। इस शो में बहुत ही जल्द आने वाला है लीप। लीप के बाद इस शो में बहुत सारी नई एंट्रीज होने वाली है और लीप के बाद इस शो का कहानी कैसे होने वाली है उस पर बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। तो क्या है पूरी खबर आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार प्लस के शो अनुपमा को शुरुआत से ही फैंस बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस शो में हमें मेन लीड्स में देखने को मिल रही है आपके फेवरेट रूपाली गांगुली, जो इस शो में हमें मेन लीड अनुपमा के रोल में नजर आ रही है। उनके अलावा इस शो में हमें गौरव खन्ना, अनुज कपाड़िया के रोल में मादलसा शर्मा, इस शो में हमें काव्या गांधी के रोल में नजर आ रही है। निधि शाह, मुस्कान बामने, सुधांशु पांडे जैसे टेलीविजन के बड़े बड़े स्टार्स इस शो में हमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल में नजर आ रही है। इस शो में बहुत ही जल्द आने वाला है लीप। लीप के बाद इस शो में बहुत सारे नई ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि आपके फेवरेट अनुपमा जाने वाली है अमेरिका। उसके साथ ही अनुज और अनुपमा भी अलग होने वाली है। उसका धमाकेदार प्रोमो भी रिलीज कर दिया गया था। उसके साथ ही खबर ये निकल कर रही है इस शो में लीप के बाद हमें देखने को मिलेगा जो काव्या है वो एक बेबी गर्ल को जन्म देने वाली है। काव्या टू ब्लेस विद अ बेबी गर्ल पोस्ट लीप इन स्टार प्लस शो अनुपमा। उसके साथ ही इस शो में बहुत सारे नई एंट्रीज भी होने वाला है। खबर ये निकल कर रही है साइल एक्टर त्रिशन शाह भी इस शो में लीप के बाद एंट्री करने वाली है। एक्सक्लूसिव साइल आर्टिस्ट त्रिशन शाह टू एंटर स्टार प्लस शो अनुपमा, जहां पर अनुपमा की टीआरपी पहले बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल कर आता था लेकिन कुछ वक्त से ये शो टेलीविजन का नंबर वन शो नहीं है लेकिन टॉप फाइव में बरकरार है। लास्ट वीक इस शो का टीआरपी 2.0 निकल कर आया था। तो लीप के बाद इस शो के टीआरपी में बहुत बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। तो क्या आप देखते हैं अनुपमा आपके फेवरेट चैनल स्टार प्लस पर सोमवार से रविवार रात के 10 बजे? कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।